अवतारों की कथा है। बहुत ध्यान से महादेव के अवतारों की कथा सुने। जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तो वाराह कल्प में, श्वेत वाराह कल्प में, रक्त कल्प में, शिव कल्प में और पीतवासा कल्प में महादेव के 5 अवतार हुए। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, ईशान और अघोर। हाथ जोड़िए, आलती पालती लगाकर बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए। पहले मैं बोलूंगी, फिर शिव का ध्यान करके आप बोलेंगे। ओम सद्योजाताय नमः, सद्योजाताय नमः। ओम वामदेवाय नमः, तत्पुरुषाय नमः, तत्पुरुषाय नमः। ओम ईशानाय नमः, ओम ईशानाय नमः। ओम अघोराय नमः, ओम अघोराय नमः। महादेव के ये 5 रूप हमारे घर में विराजमान होते हैं। हमारे घर के दक्षिण दिशा में महादेव का ये रक्त कल्प वाला वामदेव का स्वरूप विराजमान होता है। हमारे घर की पश्चिम दिशा में तथा नैऋत्य कोने में महादेव का रक्त श्याम वर्ण धारण करने वाला अघोर स्वरूप विराजमान होता है। भगवान वामदेव के रूप में रक्त वर्णा हुए महादेव, और वही उनका श्रृंगार भी लाल था, उनका स्वरूप भी लाल था और उनकी दिशा दक्षिण थी। और जब वो अघोर बनकर आए तो उनका शरीर भी श्याम था और उनके वस्त्र भी श्याम थे और उनका श्रृंगार भी श्याम था, काले रंग का था वो। उनको देखकर किन्हीं मनुष्यों को भय होता था, तथापि वो भय देने वाले नहीं, रक्षा करने वाले हैं। ऐसे भगवान अघोर को बारंबार प्रणाम है। भगवान पीतवासा, इनका श्रृंगार भी पीला है और इनके वस्त्र भी पीले हैं। ये सौम्य मूर्ति हैं। ये हमारे घर की पूर्व दिशा में वास करते हैं, जो सूर्य उदय की दिशा है। ऐसे भगवान पीतवासा को बारंबार प्रणाम है। भगवान सद्योजात, भगवान सद्योजात का स्वरूप श्वेत लोहित की तरह, सफेद रंग के लोहे के जैसा है। उनका श्रृंगार भी वैसा है और उनके वस्त्र भी वैसे हैं। वो मनुष्यों के घर में उत्तर दिशा में वास करते हैं, और जब मनुष्यों के घर में उत्तर दिशा में उनका वास होता है तो मनुष्यों के घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। और 5वां रूप है ईशान का। ये स्फटिक के समान सफेद है, धवल है, दुग्ध के समान, और स्फटिक के शिवलिंग के रूप में इनकी पूजा होती है। और ये मनुष्यों के घर में ईशान्य कोण अर्थात पूर्व उत्तर के कोने में वास किया करते हैं। जो मनुष्य पूर्व उत्तर के कोने में भगवान ईशान का